लोकसभा का चुनाव अपने जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं। ऐसे में बिहार की महागठबंधन में हलचल कर बीच भाकपा माले ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा लेफ्ट पार्टियों को नुकसान हुआ है। जहां पहले तीन दशक में बंगाल से लेफ्ट के अभेद किले को टीएमसी ने उखाड़ फेंका, तो वहीं 2014 की लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को 11 सीटें मिली। उससे भी ज्यादा बुरा तब हुआ जब ढाई दशक से त्रिपुरा में चल रही सरकार 2018 में भाजपा ने सत्ता हथिया ली और 2019 लोकसभा चुनाव आते ही लेफ्ट केरल और जेएनयू तक सीमित रह चुका था। लेफ्ट लॉबी के पास दोनों सदनों को मिलाकर भी दर्जन भर से भी कम सांसद बचे थे। ऐसे में लेफ्ट को एक झटका और बंगाल से लगा, जब बंगाल विधानसभा चुनाव में लेफ्ट जीरो पर आउट हुआ और पार्टी का वोट प्रतिशत भी घट गया। समय का पहिया घूमा और 2024 में लेफ्ट लॉबी ने अपने सिद्धांतों के साथ समझौता किया और विपक्ष इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन गया। बिहार में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल भाकपा माले ने लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल और अन्य नेताओं ने मिलकर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। बिहार की तीन लोकसभा, एक विधायक विधानसभा और झारखंड की एक लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के नामों की घोषणा की गई। चुनाव में आरा से सुदामा प्रसाद, काराकाट से राजाराम सिंह, नालंदा से संदीप सौरभ, झारखंड की कोडरमा सीट से विनोद सिंह और अगी आव विधानसभा के हो रहे उपचुनाव में शिवप्रकाश रंजन को उम्मीदवार बनाया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लेफ्ट पार्टियों को इंडिया गठबंधन में रहने का कितना फायदा मिलेगा। क्या लेफ्ट दो दशक पहले वाली अपनी छवि हासिल कर पाएगी? लेफ्ट अपने घटते जनाधार को इंडिया गठबंधन रूपी दरख्त के नीचे कैसे अपने आप को और अपनी विचारधारा को बढ़ा पाएगा? ये 2024 के चुनाव परिणाम ही बताएंगे।